माय चैनल नटखटी सुहानी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है यूनिक, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि मैं एक रियल मिनिएचर कुकिंग किचन सेट का वीडियो लाने वाली हूँ, पर उसके लिए तो हमें किचन चाहिए और किचन तो बना ही नहीं है, हाउस बन गया पर किचन तो बना नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में पापा ने मेरे लिए एक मिनिएचर रियल कुकिंग किचन सेट का सेटअप बनाया है, और ऐसा किचन सेट का सेटअप आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, वो भी कार्डबोर्ड से, वो भी हमारे बालकनी में मैं रियल कुकिंग किचन सेट करेंगे। वाह, मजा आ जाएगा, इससे खुशी की बात क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप जो अभी जगह देख रहे हो वो है मेरा गैलरी। सो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ही होगा मेरे किचन का सेटअप। तो फ्रेंड्स, जितना भी यहाँ पे कैपेसिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर ही पापा किचन सेट बनाने वाले हैं। तो चलो लेते हैं इस जगह का मेजरमेंट। तो यहाँ पे पापा मेजरमेंट ले रहे हैं, ये देखिए। चलो देखते हैं कितना मेजरमेंट है। पापा कितना हुआ? 45 है, ये 22 है। आपको वहाँ जाने के बाद ही आपको समझ में आएगा। जो हमारा इस बार हम लोग जो मिनिएचर जो कुकिंग बना रहे हैं, हम एक रियल स्टोव लगाएंगे, तो उसको इसके अंदर अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सेट ये फिट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लगाएंगे ना? हाँ। कितने हाइट में करेंगे, कितने हाइट में करेंगे, वो डिपेंड करता है हमारा स्टोव की हाइट के ऊपर। ये हमारा गैस स्टोव है, तो इसको हमें ऊपर का जो ये है ना, ये इसको हम निकाल देते हैं। इसको ऐसे कर देंगे। तो बाबा, एक मुझे आपको पूछना है कि हम लोग इसे कैसे रखेंगे? तो इसको हमें स्क्रू करना पड़ेगा ना? यस करना। ये हमारा मेन सपोर्ट हो गया स्टोव, बाकी जो ये हिस्सा है ये पूरा स्क्रू करके लगाएंगे। कि यहाँ पर एक गोल कॉर्ड किया था मैंने। अभी ये सब में अभी स्क्रू होगा। कितना टोटल स्क्रू लगेगा पापा? यहाँ पर लगेगा एक, यहाँ लगेगा एक, और यहाँ लगेगा लगभग दो, और यहाँ लगेगा दो। यहाँ पर ट्रॉली भी बनने वाला है। ओके, ये स्टोव फिट हो गया है, और ये स्टोव का ऊपर का ये बर्नर का साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए छोटा करने के लिए छोटा सा स्टैंड बनाया। अभी बनाना है किचन रैक। क्या? किचन रैक बनेगा। चलिए, जिसके अंदर हम लोग यूटेंसिल्स रख सकते हैं। यस, कल पापा ने रियल कुकिंग मिनिएचर किचन सेट का सेटअप स्टार्ट किया था, और कल वो स्क्रू वो सब किया था ऊपर से कार्डबोर्ड को, फिर उन्होंने पूरा अच्छे से स्टिक कर लिया था। तो चलो पूछते हैं कि पापा का अभी क्राफ्ट वर्क कहाँ तक गया है। पापा, अभी क्या चल रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ट्रॉली, किचन यूटेंसिल जो है इसके अंदर रहेगा, ये है ट्रॉली, और वहाँ आप जाने के बाद ही आपको समझ में आएगा जहाँ पर किचन सेट है। ये कुछ डोर लगने वाला है वहाँ पर, तो ये डोर है,
और ये रहेगा डोर के लिए, ये गाइड ऊपर लगेगा और ये रहेगा नीचे। और भी बहुत सारे काम है जो कि वहां जाके आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले ये हम यहाँ पर एक स्लाइडर डोर लगाने वाले हैं जो कि स्लाइड होने वाला है ऐसे, और ये है उसका गाइड। तो सबसे पहले हम गाइड को फिट करेंगे, ऊपर वाला गाइड को सबसे पहले फिट करते हैं। तो ये ग्रुप में हमारा प्ले करेगा हमारा ये। ऊपर वाला जो गाइड है ये फिक्स हो चुका है अच्छे से ना, अभी फिक्स करेंगे नीचे वाला गाइड। इसको तो पहले आप चिपकाएंगे नहीं, बाद में चिपकाएंगे इसको, नहीं तो वो डोर नहीं बैठेगा। तो ये है, तो ये डोर है, अब ऐसे फिट करने वाले हैं, कुछ ऐसे फिट करने वाला है ऐसे। तो क्या करेंगे, पहले नीचे वाला जो गाइड है उसको ऊपर रखेंगे, पुल करेंगे। ऐसे क्लोज करना पड़ेगा नहीं तो इसमें बैठेगा नहीं। गाइड के सेंटर में आना बराबर, जहां पर हमारा ग्रुप है। एक बार ये ग्रुप में आ गया तो अपना काम खत्म। ओके, ग्रुप में आ गया ये, और हम देखेंगे ये बराबर स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये बराबर स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइड। ये देखिए ट्रॉली है जो इसमें चार ये पार्टीशन बना हुआ है, और ये हैंडल इसके मेजरमेंट के हिसाब से ही मैंने बनाया था। इसमें जो सामान रहेगा लगभग, तो पापा ने किचन सेट बना चुके हैं। आप देख लीजिए कितना सुंदर सा मिनीचर किचन सेट मेरा बन चुका है। लगने रहा है कि ये किचन सेट इतना सुंदर बन चुका है, देखिए मतलब इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर ड्रॉअर है कि मैं सामान रख सकती हूँ, मतलब कितना अच्छा है ना, रियल कुकिंग, वाओ। अब है बारी इसे सजाने का, सोना सोना सा लग रहा है ना। चलो अब ना मैं इसमें किचन यूटेंसिल सजाती हूँ। वो कहाँ है ये देखो, मैंने यहाँ पे सब यूटेंसिल्स को रखा है। अब मैं ना एक एक सजाऊंगी। चलो देखते हैं मैं कौन सा सजाऊं। पहले हम लोग मिट्टी का बर्तन सजाए। चलो मिट्टी का बर्तन सजाते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो मिट्टी का बर्तन सजाते हैं। चलो अब मैं ओपन करती हूँ स्लाइडर, निकालती हूँ मेरा कंटेनर। चलो मिट्टी का बर्तन ना मैं इसमें सजाती हूँ। टंटना, देखिए मेरा पहला काम तो खत्म। चलो अब मैं दूसरा सजाती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं सजाऊंगी आयरन का किचन सेट। चलो किस में सजाऊं, हाँ इधर सजा लेती हूँ। अरे फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैं चम्मच सब इसके अंदर क्यों नहीं रखी। फ्रेंड्स चम्मच सब चम्मच के लिए ना मैंने एक कंटेनर बनाया है, वो स्टील का हो या फिर आयरन का हो, मैं इसके अंदर। चलो फ्रेंड्स अब मैं सजाऊंगी स्टील के बर्तन। बाप रे बाप, इतना सारा स्टील का बर्तन। मैं एक ट्रिक जानती हूँ मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं सब रख दूंगी।
बाप रे बाप, अभी जो चाहिए ना मैं ऐसे निकालूंगी। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, ऐसे ही रख दो, क्योंकि इतना सारा मैं ऐसे एक एक कैसे रखूं, है ना। अब मैं रखूंगी एल्यूमिनियम। चलो चलो एल्यूमिनियम, अब तुम्हारी बारी। और फ्रेंड्स आप जो ये प्लास्टिक देख रहे हो ना, इसे मैं ना शोपीस के जैसे ऐसे रखूंगी, तो अच्छा लग रहा है ना। मुझे बताना शोपीस मेरा कैसे लग रहा है, मेरा तो ऐसे रखती हूँ मैं। ये अब सब चीजें तो रख दिया, मैं मिक्सर यहाँ पे रखूंगी। गलती से मैंने इसके अंदर ही कुछ चीज रख दिया था। चलो ये मैं यहाँ पे रखूंगी, सब्जी काटने के लिए हेल्प आएगा। और ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर है ना। चलो ये सब के लिए, और ये तो रह ही गया। चलो चलो शोपीस का काम खत्म नहीं हुआ, ये भी रखना है। मैं रख भी सकती हूँ, निकाल भी सकती हूँ, मेरी मर्जी है, पर मैं रख रही हूँ, मुझे बहुत क्यूट क्यूट लग रहा है। फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे जो बर्तन के जो स्पून्स है ना, तो फ्रेंड्स मैं ना इसके अंदर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा। और फ्रेंड्स मैंने ये कंटेनर बनाया था, मैं भूल ही गई थी, इसलिए इसके अंदर ही मैंने सब रख दिया। चलो अब मैं ना इसके अंदर रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये सब सजा दिया और ये सब सजा दिया है, तो मैं ना इसके अंदर पूरा रख लेती हूँ। हो गया बंद। चलो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे, सुहानी तुम्हारे पास तो उड़न किचन सेट भी था, उसका क्या? फ्रेंड्स वो भी यहाँ पे रहेगा। फ्रेंड्स मैंने ये उड़न किचन सेट यहाँ पे रख दिया, तो मेरा ये किचन सेट का फुल लुक देखिए। आपको कैसा लगा? आई होप आप सभी लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको ज्यादा वेट नहीं करके रखूंगी, अब मैं आगे वाले वीडियो में कुछ क्राफ्ट वाफ्ट नहीं बनाने वाली हूँ। आगे का वीडियो रियल कुकिंग का वीडियो होगा। और फ्रेंड्स उससे पहले ना मुझे आपका सजेशन चाहिए कि आपको वेज देखना है या फिर नॉन वेज फूड देखना है, तो वो ना फ्रेंड्स मुझे ना कमेंट्स में बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा और जिसमें ज्यादा वोट आएगा मैं उसमें ही बनाऊंगी। ओके तो फ्रेंड्स बाय बाय, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलना।